राजस्थान सरकार ने कोरोना पर काबू पाने के लिए राज्य में शुक्रवार शाम से रैपिड टेस्टिंग की शुरुआत कर दी है। शुक्रवार शाम 5 बजे से अब तक 52 लोगों की जांच की गई और राहत की बात यह है कि इस रैपिड टेस्ट में सभी 52 कोरोना संदिग्ध मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वैसे ये बताना भी जरूरी है कि कोरोना के लिए रैपिड टेस्ट पुष्टि करने वाला नहीं है, लेकिन ये जाँच किसी मरीज को तुरंत आइसोलेट करने के लिहाज से कामयाब है ताकि कोरोना महामारी के संक्रमण को रोका जा सके। राज्य में कोरोना के मामले बढ़कर 1131 हो गए हैं, जबकि 11 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 164 लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं।